दोस्तों मोदी सरकार ने अब ये मन बना लिया है कि अब चाइना और पाकिस्तान को उसके घर में घुस के ही मारा जाएगा और भारत ने इसकी शुरुआत 1 फरवरी से कर दी है क्योंकि 1 फरवरी को जैसे ही भारत ने अपना बजट पेश किया उसके बाद से ही चाइना और पाकिस्तान के अंदर भगदड़ मच गई क्योंकि एक तरफ तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए खजाना खोल दिया और इन्हीं पड़ोसी देशों में घुसपैठ कर रहे चाइना को भी उखाड़ के फेंक दिया और वहीं दूसरी तरफ दाने दाने को तरस रहे भिखारिस्तान यानी कि पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी भी अलॉट नहीं की और वहीं भारत ने अपने रक्षा बजट का ऐलान करके दुश्मनों के होश उड़ा दिए क्योंकि 2022 और 23 में भारत का डिफेंस बजट 5.25 लाख करोड़ था और वहीं 2023 और 24 में इसे लगभग 6 लाख करोड़ कर दिया जो पाकिस्तान के पूरे बजट से भी कहीं ज्यादा है और वहीं 1.62 लाख करोड़ रुपए तो इस बजट से अलग रखे गए हैं जिसमें भारत नए और एडवांस तकनीकी से लैस हथियार और इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेटों के साथ साथ सैन्य हार्डवेयर को भी खरीदना शामिल है।